आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। उसके लिए हमें चाहिए दूध, बादाम जिनको मैंने भिगो के दो साइज में काट लिया है, चीनी, दो चार इलायची के दाने, किशमिश इसको मैंने भिगो दिया है, काजू इसको भी मैंने दो पार्ट में काट लिया है, मखाना ग्राइंड किया हुआ और केवड़ा वाटर। मैंने आधा कटोरी चावल आधा किलो दूध में डाल दिया है। आधा कटोरी चावल को आप देख सकते हैं, ये चावल को मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। हमें अपनी गैस मीडियम पे ही रखनी है। इसमें मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया है, आधा किलो दूध के साथ थोड़ा पानी ऐड किया है। और हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे दूध उबलता जाएगा और कम होता जाएगा, हम दूध इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही हमारी खीर में एक उबाल आ जाए, हमने इसको गैस को बिल्कुल धीमा कर देना है, बिल्कुल सिम पे, और इसको पकने देना है। हमें खीर को बीच बीच में हिलाते रहना है, नीचे लगने नहीं देना है। जब तक हमारी खीर उबल रही है, हम क्या करेंगे, इलायची के दानों को ऐसे छील के उसका दाने निकाल लेंगे और उसको मिक्सी जार में डाल लेंगे और चीनी को भी डाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने इसका बॉर्डर बना लिया है अपनी इलायची का और चीनी का। इससे क्या होता है, इलायची अच्छे से कुट जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। हमारी खीर उबल रही है सिम पे। अब जैसे ही हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा होगा, हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। जब भी आप खीर बनाएं, एक बात का ध्यान रखें कि जिस बर्तन में भी आप खीर बना रहे हैं, उसका बेस थोड़ा हैवी रखिएगा, थोड़ा मोटा होना चाहिए बर्तन खीर बनाने के लिए, जिससे खीर जल्दी से लगती नहीं है नीचे। आप देख सकते हैं हमारे चावल को पूरा सोक कर लिया चावलों ने, हमारे दूध और पानी को। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक कप दूध का और ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल सिम पे पकने देंगे दूध को, जब तक कि चावल उसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब ना कर ले। एक कप दूध ऐड करने के बाद हमने इसमें एक कप पानी भी ऐड किया है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे बिल्कुल धीमी आंच में। जब हमारी खीर इस कंसिस्टेंसी में आ जाए, देखिए न ज़्यादा पतली है न ज़्यादा गाढ़ी है, इसमें हम 2 चम्मच जो हमने मखाना ग्राइंड किया था उसको ऐड करेंगे, मिला लेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है मखाना डालने से। अब हम ऐड करेंगे, मैंने बादाम को इसलिए सोक करके उसको उसके छिलके उतार दिए थे और उसको 2 पीसेस में कट कर लिया था। ये इससे क्या होता है, मुंह में छिलके नहीं आते। हम बादाम ऐड कर लेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे, थोड़ा एक उबाल आने देंगे। अब हम अपने किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश ऐड करने के बाद ये इलायची और चीनी का पाउडर हम ऐड कर देंगे। मैं चीनी कम यूज़ कर रही हूँ, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मीठा ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे, आप थोड़ा पकने देंगे इसको 1 मिनट के लिए। हमने मखाना, चीनी और इलायची सबको अच्छे से थोड़ा सा उबाल दे दिया है। अब हम गैस को बंद करके अपने काजू ऐड करेंगे इसमें, काजू और जो मेरा 1 स्पून केवर वाटर था उसको भी ऐड कर लेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है केवर वाटर से, आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। हमारी खीर रेडी है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी खीर तैयार है।
और ये बहुत टेस्टी है। आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। बस खीर बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इसको धीमी आंच पे जितना अच्छा बनाएंगे, धीमी स्लो फ्लेम पे, ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।